हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ फॉर के पर। और मैं हूं आपका दोस्त आजम सैफी। आज की वीडियो में बात करने वाले हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी दे रखा है फाहियान, ऑप्शन थ्री दे रखा है अलबेरूनी, ऑप्शन फोर दे रखा है इवन बतूता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वास्को डी गामा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? जो भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों वो कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, ऑप्शन थ्री दे रखा है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी दे रखा है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोस्तों जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो का हर नोटिफिकेशन दोस्तों आपका मिलता रहे। मैं ऐसी जीके मैथ रीजनिंग करंट अफेयर्स की डेली क्लास देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट दिया दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए दे रखा है 1947, ऑप्शन बी दे रखा है 1949, ऑप्शन सी दे रखा है 1961, ऑप्शन डी दे रखा है 1983। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दे रखा है विनोबा भावे, ऑप्शन बी दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दे रखा है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी दे रखा है गोपाल कृष्ण गांधी। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोबा भावे को जो है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू वगैरह, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? जो स्वांग है दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? ऑप्शन ए दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन बी दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन सी दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन डी दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो लोक नृत्य कला प्रसिद्ध है वो हरियाणा में होता है ये फेस्टिवल सबसे ज़्यादा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मित्रों, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जो हमारे इंडिया में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है 23, ऑप्शन बी दे रखा है 24, ऑप्शन सी दे रखा है 25, ऑप्शन डी दे रखा है 26। तो दोस्तों जो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं दोस्तों वो 25 है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? ऑप्शन ए दे रखा है लोकसभा स्पीकर, वी दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी दे रखा है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दे रखा है भारत का वित्त मंत्री। तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका जो फैसला करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू है और बहुत ही सराहनीय कार्य भी है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए दे रखा है जापान, बी दे रखा है चीन, सी अमेरिका, डी भूटान। तो दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा भूटान, भूटान में जो है तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, दिया है 24 जनवरी, बी दे रखा है 25 जनवरी, सी दे रखा है 25 नवंबर, डी दे रखा है 26 जनवरी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? जो हमारा इंडिया का संवैधानिक मुखिया दोस्तों कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, डी दे रखा है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? या अंग्रेजों के नमक
कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, पहला दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वी दे रखा है खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन चलाया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। मैं ऐसी क्लास आपको कंटिन्यू देता रहता हूँ। और दोस्तों अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट दिया है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन बी दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन सी दे रखा है उड़ीसा, ऑप्शन डी दे रखा है राजस्थान। तो दोस्तों जो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन ए दे रखा है सूरत, ऑप्शन बी दे रखा है कोलकाता, ऑप्शन सी दे रखा है मैसूर, ऑप्शन डी दे रखा है बेंगलुरु। तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोला था वो सूरत में खोला था, इसलिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है क्रिकेट, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्रयोग होगा, जो बुली शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों किस खेल में होता है? ऑप्शन ए दे रखा है क्रिकेट, ऑप्शन बी दे रखा है फुटबॉल, ऑप्शन सी दे रखा है हॉकी, ऑप्शन डी दे रखा है बास्केटबॉल। तो दोस्तों जो बुली शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों हॉकी में होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों आज की वीडियो को लास्ट एमसीक्यू, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ऑप्शन ए दे रखा है हिमा दास, बी दे रखा है मीराबाई चानू, सी दे रखा है पीटी ऊषा, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हो जाएगा पीटी ऊषा को जो है उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, जय हिंद।